हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज ज़ुबैरिया सिद्दीकी एंड माय नेम इज फैसल हरल। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो में रिकमेंड की गई है, और ये बात है सारी विजिट विजिट के लिए। हम देखते रहते हैं, इंडियन पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तानी इंडिया जाते हैं। तो एक वीडियो है जिसका टाइटल है दिल्ली के छोले छोले भटूरे, दिल्ली पाकिस्तानी फूड। विजिटिंग इंडिया। तो इसकी जो वीडियो है इसमें पाकिस्तानी गया है इंडिया में छोले भटूरे। अच्छा, सबसे खाने। पहले तो मुझे बताएं कि वो छोले भटूरे छोले होते हैं और भटूरे हम पूरी को कहते हैं। हाँ, वो जिसको पूरी। हम हलवा पूरी और चने पूरी कह हाँ। देते हैं, कुछ इस तरह का छोले भटूरे वही आई थिंक भटूरे चने चने की डिश पूरी को ही कहते हैं, बट वो छोटे छोटे होते हैं और वो खैर वो आई थिंक तो एक पूरे अलग होते हैं। थी चीज है। लेकिन ये चीज देखनी पड़ेगी कि जो पाकिस्तानी है वो इंडिया विजिट उसने किया है तो उसको ट्रीट कैसे किया गया है, मतलब लाइक उसको किस तरह के लोग मिले हैं, उन्होंने क्या बातें की हैं, उसने उसके साथ क्या बातें की हैं। कहीं ना कहीं इन जैसे व्लॉग्स में हमें लव दिखता है। और अगर हम बिल्कुल बात असल करें चीज आती है बॉलीवुड सामने। की और पाकिस्तान से हम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की, तो यहाँ से हमें नफरत ही दिखती है। और ऐसे लगता है कि जैसे तबाही ही तबाही मचाई हुई है एक दूसरे में, बंदे तो रह ही नहीं गए हुए। लेकिन जो ये व्लॉग्स और इंटरव्यूज हैं ये रियलिटी होती है। हाँ, इससे पता चल जाता है कि यार मोहब्बत जो है मोहब्बत ना है। वो है। अच्छा, देखते हैं कि जब वो कैमरा लेकर जाएगा तो किस तरह से बिल्कुल रॉ या आते हैं, वो रिएक्शन रॉ आते हैं बिल्कुल। बोलेगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल वो बोलता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो फिर क्या कहते हैं, ये चीज भी हाँ, बड़ी मैटर करती है, ये भी देखनी यानी पड़ेगी। गोरों को तो पाकिस्तानी भी बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, इंडियन भी बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, अब देखते हैं एक दूसरे को कैसे ट्रीट पाकिस्तानी को करते हैं। कैसे करते हैं, हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग लेट्स चीज है। स्टार्ट। 1, 2, 3। अरे तो किलो नहीं बता रहे ना, वो हमारे तो किलो बताएंगे। एक किलो इतने हजार हजार बना रहे हजार भटूरे। मुशी भाई पहुंच गए इंडिया। नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, सलाम, आप देख रहे हैं मुशी भाई के व्लॉग। और आज के व्लॉग में भाई हम आपको दिखाने जा रहे हैं दिल्ली की एक हसलिंग बसलिंग लाइफ। दिल्ली का बाजार और अच्छी गाड़ी से जाइए यार। मैं कह रहा हूँ दिल्ली का क्या चक्कर है, एक तरफ बहुत अल्लाह है, एक तरफ जिंदगी बस गई है। ऐसे नहीं लग रहा जैसे बरात जाने लगी, कब्रिस्तान है और इंडिया में जिंदगी का कितना अजीब सा वही मैंने बताया चक्कर है। एक तरफ बरात जा रही है और एक तरफ कब्रिस्तान है। डार्क कॉमेडी हो गई, डार्क कॉमेडी हो गई। ये भाई हम एंटर होने लगे हैं। ओह, ऐसा नहीं लग रहा जैसे हम अपने ही किसी लाहौर की, दिल्ली और लाहौर काफी हाँ। जैसे ये वैसी तो है, ये जो है वैसे ही है, बटला हाउस। ये भी इलेक्ट्रिक है, ये काफी पुराना है, लेकिन कब से चल रहा है इलेक्ट्रिक? ऐसे ही रेडियां हमारी भी इधर लगी होती हैं और उनके ऊपर पड़े होते हैं ये सारा कुछ सामान। पैदल चलना भी वही आप एक आर्ट है, पीछे मार देगा अगर आपने टाइमिंग सही नहीं की। पैदल चलना भी एक आर्ट। ऑपोजिट साइड स्टेशन वाला फील दे रहा है, स्टेशन एरिया। जैसे हम लंडा बाजार कह देते हैं। सरोजनी दिल्ली में है, पान दी ये बेच रहे हैं आप? ये पान के पत्ते हैं, फिर ये पान वालों को बेचते हैं। पान के पत्ते पान वालों को बेचते हैं। इसका क्या है, क्या हिसाब है? 50 के 25 पत्ते भाई, देख लो। और यहाँ से लेने जिसको चाहिए हो तो ये देखें क्या भी है। ये सारी आपकी है सर जी? ये पाकिस्तानी ऐसे क्यों? ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया और मजाक कर रहा है। मजाक कर रहा है। जैसे ही एंटर होंगे बटला हाउस रोड में बैठे हैं। बाबू भाई के पास जाएं आप लोग। कौन कौन बटला हाउस के पास रहता है वो भी बताएंगे। शाकिर मीट शॉप के बराबर में नियर शाकिर। ये बटला हाउस की इस एरिया की सबसे पुरानी मीट शॉप है। ओके, ये देख रहे हैं मटन, टॉप क्वालिटी का मटन है। मटन यहाँ पे जो आप रश देख ही सकते हो भाई, क्या बात है, बहुत अंदर रश इतना जा ही नहीं सकते हम, तो रेहू आपको वापसी पे दिखाएंगे। ये जो नॉर्मल मार्केट है भाई यार, ये फ्रूट नहीं है वहाँ पे हमारे यहाँ नहीं है, देखा हुआ है ये चीज है भाई ऑनलाइन। ये चीज देखा, एक रेडी वाला भी ऑनलाइन पेमेंट और मतलब डिजिटल इंडिया वाला बस सीन सीताफल।
सीताफल शरीफा होता है बट कम होता है। एक कस्टर्ड एप्पल आता है वो तो नहीं है? वही है। अच्छा अच्छा ये ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में देखा यार बहुत अच्छा है। क्या आप है हाय सावरी 120 का 120 का और यहाँ पे 400-500 का। नाम क्या है? मोहम्मद इमरान से जाके आप खरीद सकते हैं। ये सारे देखो कैसे कारोबार कर रहे हैं, कौन इनको आगे आके इनके आगे तक जा कर रहे हैं। बस मीडिया होलसेल की दुकान है वहाँ पे। वो एक मुस्लिम औरत बुर्का पहना पाया पहना। हाँ करते हैं इस पे डिस्कशन काफी कुछ बातों अच्छा, पे सब मैं पे रखा हुआ है, सब रेडी पे वो रखा हुआ है कि आप कर ले उस स्कैन करें पेमेंट करें बस उसके अकाउंट में चली जाएगी। यार ये चीज है। अब ये बेचारे गरीब मतलब ये इतने मतलब ये गरीब डेढ़ तबका होता नहीं, है ना। नहीं मेरा नहीं ख्याल कि फ्रूट वाले कहीं से बोले। ये भी आप एक अलग सिस्टम है। 100 का 3 किलो जो बेचारे रेडी लगाते हैं वो तो होते ही होंगे। बताने का क्या मकसद है? किलो किलो के हिसाब से नहीं तो किलो नहीं बता रहे ना वो। हमारे वो किलो बनाए मौलाना साहब। पपाया भी रेडी पे होता है। पपाया वाला कोई गरीब होगा। सेब कितने का है? 150 का 3 किलो 150 का 3 किलो चल रहा है। देखो बुरके पहने हुए हैं सब। ये देखो भाई दिल्ली के फेमस छोले भटूरे। हां भाई जबरदस्त। वही जिसको हम हलवा पूरी बोलते हैं फेमस। अब रस्ते एक कट्टे की तरह पूरी ही है। पूरी को ही कहते हैं ये भटूरा आई थिंक। लेकिन छोले वो होता है कि छोले किस तरह के हैं। यार ये छोले से ना गाली बड़ी याद आई है एक समझ गए होंगे आप। हजार ये बंदा चाहिए स्किल्ड पर्सन। अच्छा साथ साथ में छोटे छोटे कैप्शन भी डाल रहा है यार ये बंदा। आलू डाल के ले रहे हैं मजे का व्लॉग है इसका। साथ साथ ना शुगर भी लगाया हुआ है इसने अपना। आपको छोले दिखाते हैं इनके बड़े फेमस है। बहुत रश है यार दुकान पे। ये प्राइस ही वगैरह तो मुझे समझ आ नहीं रही क्या है। हाँ ये बता नहीं रहा ना कि मैं पाकिस्तान से हूँ। 4 पीएम पे क्या भाई वो क्या लिखा है प्राइस ही क्या है? 9 से 3 पीएम क्या चीज है? रात के 3 बजे तक दुकान खुली रहती है। शाम के 3 बजे हाफ और फुल 3 पीएम। अच्छा 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 तो 9 से 3 छोले भटूरे हैं भाई जैसे नाश्ते के टाइम। नाश्ता का टाइम नहीं है छोले भटूरे। और क्या क्या आइटम है इनके पास? और क्या क्या आइटम्स हैं इनके पास? अबे तू छोला वाला के पास गया हुआ है या क्लब में गया हुआ है? कौन कौन चाउमीन है उनके पास? चाउमीन है। हाँ काफी डिशें हैं बट मुझे पढ़ना वो नहीं आ रहा है। हिंदी पढ़नी नहीं आती। अग्रवाल स्वीट अगर आप यहाँ पे हैं बटला हाउस में तो अग्रवाल स्वीट ये बड़ी फेमस है भाई। अग्रवाल स्वीट यहाँ आना बनता है। लो भाई जो बचपन से हम देख रहे हैं पानी पूरी लड़कियों की फेवरेट गोलगप्पे। और एक मैंने कभी जिंदगी में ये हरी हरा पानी नहीं इस तरह से यूज किया। यहाँ पे हरा नहीं होता पानी पूरी है ना। अब गोलगप्पे भी है। एक ही चीज है ये पानी पूरी है गोलगप्पे है वो एक ही होता है। असल के पानी में भी छोले हैं पता नहीं क्या है। ये बड़े प्यारे लगते हैं। एक एक में होता है एक बार पानी ले लो उसमें देते जाते हैं। गोलगप्पे खाने का दिल कर रहा है। देखो भाई इसको हां हां यार भाई जरा मेरे सामने देखो भाई क्या क्या है। इसका ये प्याली में और भाई साहब खाएंगे। इंडियन स्ट्रीट फूड बहुत ज्यादा कैटेगरीज में है। बहुत ज्यादा वैरायटी है। अगर अभी मैंने और देखा ना इंडियन स्ट्रीट फूड फिर हम खाने चले जाएंगे। फिर विजिट करेंगे और जाके खाना पीना करके आएंगे। मैं फिर वहां का वीजे वाला सीन ओपन हो जाए हम पूरी टीम आ जाएंगे उधर विजिट करने दिल्ली तो जाएंगे। हाँ फिर जितने मर्जी पानी पूरी खाएं और सारा सारा कुछ टेस्ट करेंगे। वो क्या है? वीना ये भी ना एक ही है ये अलग अलग क्यों है? अच्छा अच्छा वो अलग से भी ले सकते हैं आप। ये देखो ये की ना पकसाने वाले है। भाई ये फर्क क्या है इन दोनों में?
आटा और सूजी। भाई ये नई चीज देखी है मैंने, सूजी के, सूजी के आटे के, आटे के पानी जो है ये कौन सा नलके वाला पानी डालते हैं? अबे वो पाकिस्तान का अजमाया हुआ, उधर जाके भी वही बात कर रहे हैं। आगे दिखाते हैं, ठीक है। नहीं होता है, हर जगह नलके वाला पानी यूज होता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। मोहित, मोहित फिल्टर वाटर है, आप लोग मोहित के पास जाके गोलगप्पे खा सकते हैं। खा सकते हैं, फिल्टर वाटर है उसका। और डिलीवरी का कोई सीन होता है इधर भी भेज देना यार, हमारे पास भी, हम भी खा लेंगे। लाइफ में पहली दफा खाने लगा हूं सूजी का। बनाने सर कैसे बनाते हैं? अच्छा ये पकड़ना पड़ेगा। ये भाई अब मैं वो कहता बड़ों में कहता अच्छा ये पकड़ना पड़ेगा। मीठी चटनी, वो कुछ और नहीं समझा। ये पानी, अच्छा इसका, ओके ओके ओके। ये हमने फिल्मों में देखा है। हाँ ब्रावो, हाँ अबे क्या साइलेंट लग गया है? अच्छा, चेक किया लड़के का स्टाइल परफेक्ट। पहली दफा खाया मैंने सूजी का, ये है नॉर्मल जो हम खाते हैं आटे का। यार ये खाता कैसे यार? क्यों नहीं नहीं वो पीछे से उसने लगाया, मैं साउंड इफेक्ट लगाया हुआ है भाई। यहां पे जो मिलता है वो वहां नहीं मिलता। ऐसी तो बात नहीं है, ऐसी तो नहीं। पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड भी बहुत मजेदार है, लेकिन मेरी विश है कि मैं इंडियन स्ट्रीट फूड्स जाके अग्रवाल से, अग्रवाल स्ट्रीट पे पहुंच जाओ मिठाइयां खाने। कचौड़ी, कचौड़ी इसके अंदर कुछ होता है? इसके अंदर कुछ होता है? ये भी खा के चेक करेंगे यार। ये बड़ी डबल मीनिंग बातें करता है यार ये लड़का, अभी नया नया आया है। ये 18 रुपए का है भाई, ये पता नहीं क्या है। गाजर का हलवा, गाजर का हलवा, अच्छा वो ढका, अच्छा देसी घी और उससे ढका हुआ है। वाह भाई, ओह नाइस, ओह यार ये मजे की वीडियो बनाई है लड़के ने। ये देखो भाई, वो नीचे है गाजर, गाजर का हलवा पसंद है? नॉट रियली, बनता है मुझे बर्फी पसंद है, बर्फी। आपने वो पीछे से देखी है कि पीछे वो मुस्लिम्स की शॉप्स थी, फिर आगे अग्रवाल, मतलब किस तरह वो मिलजुल के एक दूसरे के साथ एक ही जगह पे सारे बिजनेस कर रहे हैं। no इनकी और कोई ब्रांच नहीं है अग्रवाल स्वीट्स की, कोई शाखा। तो अगर आपके किसी आस पास अग्रवाल स्वीट्स है तो अबे कहीं ये भी तो बता ना कि आया कहाँ से है। अच्छा नेक्स्ट वीडियो, शीरा, शीरा जिसमें जलेबी बनती है। हाँ हाँ, जिसमें वो गुलाब जामुन भी डालते हैं और मतलब वो मीठा हो जाता है। तैयार हो रहा है माल भाई, ये देखो भाई, बटला हाउस। कैसा लगा आपको बटला हाउस? यार मतलब वही सीन बन गया, दिल कर रहा है कि बंदा पहुंच जाए और एक एक चीज़ को टेस्ट करना शुरू कर दे। मतलब यार ऐसा सीन होता है क्योंकि हम पंजाबी लोग हैं, हम फूडी होते हैं, तो हम जब देखते हैं ना कि खाने पीने की चीज़ें इधर नजर आ रही हैं तो फिर हमारे भी मुंह में पानी। अब हमने भी जाना है। हाँ नहीं नहीं मेरा यार, जब भी मैं तो ये चाहता हूँ कल अगले महीने कभी भी खुल जाए वीजे और मतलब इजी सक्सेस हो जाए। पांच जगहें बताएं जहाँ आप जाना चाहेंगे इंडिया में। मैं तो 2-3 महीने इकट्ठे ही नहीं, सिर्फ आपको है कि 5 शहर या 5 कोई भी प्लेस। मुझे लिमिट डाल देते हैं कि सिर्फ इन 5 जगह हाँ, पे जाना है। इसी 5 जगहों पे कौन? एक तो मैं मुंबई देखना चाहूंगा, मुंबई। एक मैं देखना चाहूंगा इनका वो कोलकाता साइड है, कोलकाता साइड। ओके, और 2 चीजें होगी, तीसरा मैं जाऊंगा ताजमहल साइड पे, वो आगरा में आता है। हाँ जी, और उसके अलावा कौन सी यार, मैं देखना तो सारा कुछ चाहता हूँ, लेकिन अगर सिलेक्शन की बात करें तो 2 और करें तो दिल्ली जरूर देखना चाहता हूँ। दिल्ली, और एंड पे मैं जाना चाहूंगा इनका वो जहाँ पे टूरिज्म एरिया ज्यादा है, वो जो केदारनाथ, और वो नहीं आप देखना चाहते वो जो सारे देखना वाले। तो मैं सारा कुछ चाहता हूँ, आपने ऑप्शन ही 5 दिए हैं तो फिर 5 में सिलेक्शन करना मुश्किल हो जाता है। मसूरी, मसूरी मुझे देखने का बहुत शौक है, मसूरी जाना है, केदारनाथ जाना है और उस तरह की जगहों को एक्सप्लोर करना है। दिल्ली, मुंबई, ये तो मतलब है, ये तो है, और आगरा ऑब्वियसली, तो ये बेंगलुरु वो भी एक जगह है। ऐसे तो फिर सारा इंडिया ही मतलब के बंदा घूमने लग जाए तो 2 जिंदगियां जीने पड़ेगी यार, मतलब इतनी चीजें हैं। गोवा,
हाँ वही मैंने कहा ना, जहाँ पे घूमने पे यार मैं गोवा जाऊंगा किसी और मकसद के लिए, ठीक है भाई, मैं ले जाऊंगा अपने इंडियंस कुछ दो चार लौंडे लपाड़े दोस्त साथ, फिर करेंगे जाके गोवा बीच पे चिल, साथ वाइन शाइन होगी हमारे पास है पूरा बॉलीवुड में, चले जाए ना मालदीव चले जाए तो नहीं नहीं इंडिया घूमना यार, मुझे अपनाइयत फील होती है, मुझे बांग्लादेश इंडिया और पाकिस्तान तीनों से ना अपनाइयत अपनाइयत अपनी अपनी मिट्टी, वो तो फिर अपने कंट्री में हमारा कंट्री जब भी मर्जी चले जाए, लेकिन क्रॉसिटी होती है कहीं दूसरी जगह पे। अब मैं इतना टूरिज्म किया हुआ है कि मैंने अपनी जितनी भी जगह मेन मेन वो सर मैंने देखी हुई है, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैंने अपना जो कंट्री है जितना पूरा तो अभी भी मैं नहीं घूम सकता, तो जितना मैंने घूम लिया घूम लूँ, लेकिन जो अगला स्टेप है ना वो मैं इंडिया और इंडिया से फिर नेक्स्ट आगे बांग्लादेश भी सारा, बांग्लादेश को मैं बड़ा घूमना चाहता हूँ, बांग्लादेश के फूड खाना चाहता हूँ और लोगों से मिलना चाहता हूँ यार, मतलब गप्पे मारना चाहता हूँ। चाइनीज मुझे ना इन तीन कंट्री से अपनी याद फील होती है, बाकी सब मैं सबकी मतलब की रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं सबकी जो है इज्जत करता हूँ, लोगों की मैं इंसानियत की इज्जत करता हूँ, चाहे वो चाइनीज हो चाहे वो इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो चाहे बांग्लादेशी हो। अच्छा वीडियो कैसी लगी? वीडियो यार मजेदार थी, थोड़ी हल्की हल्की बीच में कॉमेडी वाला भी टच दिया हुआ था। अच्छा बिल्कुल ऐसे ऐसे बात कर रहा था ये, अच्छा गोलगप्पे है ये, कौन सा गोलगप्पे है ये, कौन सा ये पकड़ना है, ये पकड़ना है, ये आपके है, ये सब काम के मतलब थोड़ी थोड़ी ना वो शुगर मिला। और एक चीज मिस की है जिसका मैं इंतजार कर रहा था, और वो ये था कि इसने कहीं पे भी ये नहीं बताया कि मैं पाकिस्तानी हूँ, और अगर ये चीज ये बताता तो ये मैं श्योर करता हूँ 100% इससे किसी ने बिल नहीं लेना था, नहीं लेना था। अब ये कुछ ऐसे क्रिकेटर्स हैं इंडिया के जो के नेशनल टीवी पे इंटरव्यूज दिए हैं कि हम पाकिस्तान की मार्केट में गए थे जब हमारा टूर हुआ था, हाँ क्रिकेटर्स हैं आम लोगों से लेते हैं। नहीं नहीं आम लोगों में से भी बहुत सारे मैंने इंटरव्यूज ऐसे देखे हैं जो जाके बताया मैं इंडिया से हूं, तो वो कहते हैं यार जैसे कि अगर इतना माल ले रहे हैं तो ये एक हमारी तरफ से गिफ्ट है या दो हैं या ये हैं, तो ये जो है ये पाकिस्तान की तरफ भी है, मैंने यार लोगों में मोहब्बत देखी हुई है, ऐसा नहीं है जैसा बॉलीवुड में या पाकिस्तान के न्यूज चैनल में दिखाया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम ग्राउंड फील्ड में जाके देखें या फिर हम रोड पे जाके कॉमन लोगों का जिसका किसी चीज से लेना देना ही नहीं है, उसका पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है, तो वो तो मोहब्बत रखते हैं, वो पाकिस्तान की साइड से भी वो इंडिया की साइड, उसको कमर्शियल मूवीज बना के कोई पैसा नहीं आ रहा तो कहता है मैं तो किसी का दुश्मन नहीं हूं, ऐसा होता है, कॉमन लोग ऐसे ही होते हैं। आप लोग मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और दिल्ली का, और अगर मैं और जवेरिया इंडिया आ जाए तो आप हमें क्या क्या खिलाएंगे, मतलब कौन कौन सी डिश खिलाएंगे? अच्छा और ये दिल्ली का जो बटला हाउस है इसमें और कौन कौन सी जगह है, फिर हम वो भी एक्सप्लोर करेंगे, सब कुछ इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है तो हम वो भी देखेंगे, जब तक हम जाके नहीं देख पाते तब तक हम वीडियोस के थ्रू देखेंगे और एंजॉय करेंगे और साथ साथ आपको भी एंजॉय कराएंगे। हाँ जी तो आप देखते रहे और अपनी रिकमेंडेशन कमेंट्स में बता सकते हैं, लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें इस वीडियो कर को, अपने जितने दे, भी बटला हाउस के दोस्त हैं दिल्ली के जितने दोस्त हैं फैला दो उनको सबको शेयर करें और देखते रहे वीडियोस को। अल्लाह हाफिज।